हेलो फ्रेंड्स, मैं बबली आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने बगिया में। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और मैं संडे ओवरव्यू दूंगी, पूरे गार्डन दिखाऊंगी। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखना, अगर थोड़ी भी पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर ही करना। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी मुझे फॉलो करना। चलो हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं गेट के पास से अब दिखा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ये ऑरेंज टिकोमा लगा हुआ है और ये सब देखिए पेक्सिलम पेटोनिया में देखिए कितने सारे फूल खिले हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इसके फूल और बहुत भर भर के फ्रेंड्स इसमें फूल आते ही रहते हैं रोज़। और इस समय देखिए सभी में पोर्चुलका लगा हुआ है, नीचे पर्सलेन है, ये भी बहुत अच्छे ग्रोथ पे अब आ रहे हैं फ्रेंड्स। कुछ ही दिनों में इसमें भी फूल आना स्टार्ट हो जाए और देखिए पूरे पॉट अब भरने लगा है। बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं पोर्चुलका पर्सलेन के। इसे हमें अपने गार्डन में गर्मी में ज़रूर ही शाम करनी चाहिए। और देखिए सबके कलर कितने खूबसूरत हैं, बड़े बड़े साइज में फूल आ रहे हैं फ्रेंड्स। मैं सप्ताह में एक बार सारे पौधे को लिक्विड फर्टिलाइजर देती हूँ, पोर्चुलका सबको परमानेंट को नहीं देती हूँ। अभी देखिए बहुत सारे फूल अभी खिले हुए हैं, इधर पानी में भी लगा हुआ है कुछ पोर्चुलका, तो उसमें भी फूल आते ही रहते हैं। इधर हमारा मिर्ची का पौधा है, तो देखिए मिर्ची के पौधे में कितने सारे फूल कली बने हुए हैं। ये हिबिस्कस, ये पानी वाले में आज थोड़ा कम फूल है, ये कल इसमें बहुत सारे फूल खिले हुए थे। इधर जेट प्लांट है, और इधर देखिए ये टिकोमा का है, इसमें बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं फ्रेंड्स गुच्छे में, पर हमारे यहाँ भी ये नहीं खिल रहा है। और पर बेल बहुत अच्छे ग्रोथ पे है, ये बोगनविला ऑरेंज वाले बहुत ही खूबसूरत, इसके भी फूल होते हैं। तो इसका हमारे पास अब चार पौधा हो गया फ्रेंड्स ऑरेंज में। और ये पिंक, इसी का नीचे बालकनी में लगाई हूँ, उसमें बहुत अच्छे से फूल अभी आए हुए हैं। और इधर हिबिस्कस, हिबिस्कस में भी देखिए कितने सारे फूल खिले हुए आज। हिबिस्कस बहुत ही अच्छा पौधा होता है फ्रेंड्स और बहुत अच्छे से चलते भी रहते हैं। तो देखिए तेज़ धूप में रखा हुआ है और कितने सारे फूल इसमें अभी भी आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इस वाले में भी है, इधर सारे हिबिस्कस का ही पौधा है। देखिए इसमें आज नहीं है पर कल ही बहुत सारे बने हुए हैं। और इधर बैकबोन बहुत ही खूबसूरत होता है ये भी पौधा, इसके देखिए पत्ते बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये तो खूबसूरत है ही, बिना केयर में बहुत अच्छे से चलते रहते हैं फ्रेंड्स। और इधर देखिए सारे पोर्चुलका लगा हुआ है, देखिए कितने सारे कलर के फूल इसमें आ रहे हैं अभी। और इधर हाइब्रिड पोर्चुलका है, तो इसमें भी देखिए कितने सारे फूल खिले हुए हैं। देखिए ये कलर देखिए नया ऐड हो गया है अपने आप इसमें। और इसके फूल का साइज देखिए कितना बड़ा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आज इसमें चार वैरायटी के फूल हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए पीला भी आज खिला हुआ है, देखिए कितने खूबसूरत लग रहा है। तो अभी मैं कुछ देर पहले पौधे सबको पानी दी हूँ, फिर मैं वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए इसके कलर, देखिए इसमें दो कलर के हैं। और यहाँ भी देखिए इसके फूल का साइज काफ़ी बड़ा है, देखिए इसके कलर। तो ये सब सारे पोर्चुलका ही लगा हुआ है। और ये देखिए सिंगल पेटल कनेर, ये भी बहुत अच्छे से अभी खिले हुए हैं, बहुत दिनों बाद ये अभी खिला हुआ है फ्रेंड्स। और सफ़ेद में अभी फूल नहीं है। और इधर भी देखिए पिंक में, और इधर सारे फर्टिलाइज़र रखा हुआ है। जेट प्लांट को यहाँ धूप में रख दी क्योंकि वहाँ पे ऊपर से पानी गिरते थे, ऊपर के पौधा को देती थी तो इसके पर भी गिर रहे थे। यहाँ देखिए लेंटाना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, लेंटाना के भी फूल बहुत ही अच्छा पौधा होता है। और ये देखिए गोगमिला में जो पोर्चुलका से लगा हुआ था उसे हटा दी हूँ, जिससे कि ये पौधा अच्छे ग्रोथ पर आए। और इस फूल का कलर देखिए कितने खूबसूरत है, ये पेंसिल केटस।
पीला इस बार अभी थोड़ा कम खिला है फ्रेंड्स, पीला कम है, पिंक में ज़्यादा है लगा हुआ। और ये जेड प्लांट जो मोर का शेप दे रही हूँ, और इधर सारे फॉर्चून का ही है। यहाँ पे देखिए स्नेक प्लांट, देखिए फ्रेंड्स ये कितना छोटा फूल है, बहुत ही छोटा है। पिछले सीज़न में हमारे पास ये वाला बहुत सारा था, मैं उखाड़ के सारा कंपोस्ट में डाल दी थी, इस बार एक है। पर देखिए फूल बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, तो ये अपने आप ही उगते रहते हैं फ्रेंड्स, और बिना फर्टिलाइज़र के ही ऐसे ही फूल इसमें आते ही रहते हैं। फूल का साइज़ थोड़ा छोटा रहता है पर काफ़ी मात्रा में फूल आते हैं इसमें। इधर सारे पोर्चुल का पर्सलेन है, इधर सारे जेड प्लांट हैं जो कुछ दिन पहले ही इस समय कटिंग लगाई थी। और इसमें देखिए कितने सारे पोर्चुल का खिले हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं फ्रेंड्स। और इसमें जो फूल आते हैं उसका साइज काफ़ी बड़ा बड़ा होता है फ्रेंड्स, देखिए। और इसमें बहुत सारे कलर के कटिंग लगे हुए हैं, बहुत अच्छे से भी खिल रहा है। इस समय जेड प्लांट है, देखिए ये इसमें भी देखिए छोटा छोटा कटिंग लगा दी थी, तो अब बहुत अच्छे ग्रोथ पे सारे जेड प्लांट आ गए हैं। एक बार इसका ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स तो बढ़ते ही रहते हैं। और इसमें भी देखिए पोर्चुल का ही है, इधर नारी का सा आ गया है, तो इसके भी फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं, इसीलिए मैं लगा के रखती हूँ इसको। और इधर सारे पोर्चुल का है, और यहाँ पे चंपा का पौधा, और यहाँ पे अपराजिता है इसी में लगा हुआ, यहाँ कोलियस, तो देखिए यहाँ पे धूप से बचने के लिए छुपा के रख दी हूँ। यहाँ पे भी देखिए मिर्ची का एक पौधा है, इसमें बहुत अच्छे ग्रोथ हैं। और यहाँ पे लाल वाले में आज ही खिला हुआ है। और ये देखिए अभी जो खरबूजे सबका बीज डालती हूँ कंपोस्ट बना के, तो उससे देखिए बहुत सारे पौधा हर जगह उग रहे हैं, तो मैं बहुत सारे हटा दी हूँ, पर ये दो इसमें और दो उसमें पौधा छोड़ दी हूँ। और ये हमारा खूबसूरत सनफ्लावर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स अभी। और यहाँ देखिए कनेर में कितने सारे फूल अभी खिले हुए हैं, अभी जो फूल ताज़ा है तो इसका कलर बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड्स। और अभी ज़्यादा धूप में ये जल्दी ख़राब हो जाता है। और इधर पीला कनेर, तो आज इसमें फूल नहीं है, नहीं तो इसमें हमेशा फूल रहता ही है। यहाँ पर तुलसी, और इस सब में सारे में पोर्चुल का ही लगा हुआ है नीचे, तो एक साथ दो पौधा है, परमानेंट भी है और पोर्चुल का भी लगा दी हूँ। और ये हमारा मेहंदी का पौधा, देखिए कितने तेज़ी से बढ़ रहा है ये यहाँ पे आगे। तो फ्रेंड्स यही हमारे पास कुछ पौधे हैं, यही हमारी छोटी सी बगिया है। और इसमें अरबी लगाई हूँ, यहाँ अजवाइन का है, तो सारे पौधे ठीक ठाक चल रहे हैं फ्रेंड्स। अभी धूप बहुत तेज़ है, करीब 10 दिन से बारिश नहीं हुई है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो पौधे सब भी देखिए गर्मी के कारण परेशान हो रहे हैं। देखिए तो फ्रेंड्स आज का ओवरव्यू कैसा लगा कमेंट में अवश्य ही बताना। ये फूल मुझे फैक्सियम पेटोनिया बहुत ही अच्छा लगा, ये पौधा हमारे गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ग्लोय, तो देखिए तेज़ धूप में कितने अच्छे से ये अभी बढ़ रहे हैं, और ये ऊपर वाले छत पे भी चले गए हैं, तो वहाँ भी फैल गया है। और इधर इस साइड भी है, तो देखिए ये भी, इसे भी हमें ज़रूर ही लगाना चाहिए। देखिए जब दवा के रूप में ज़रूरत हो तब हम दवा के रूप में यूज कर सकते हैं, और नहीं तो हमारे गार्डन में बहुत ही अच्छा लगता है देखने में हरा भरा, और इसको ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है, बिल्कुल कम केयर में अच्छे से चलते रहते हैं ये पौधा। तो देखिए फ्रेंड्स यही हमारी बगिया का कुछ पौधा है, आप सबको कैसा लगा बगिया का फूल कमेंट में अवश्य बताना।
अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर ही कर लेना फ्रेंड्स। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी करना। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय।